नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं माधुरी कलाल। न्यूज 10 की शुरुआत करते हैं इस वक्त खबर, जहां पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव के मंदिर रामदेवरा में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। मुख्यमंत्री बाबा रामदेव स्मारक का शिलान्यास करेंगी और ये स्मारक 10 बीघा जमीन में करीब 3,75,00,000 की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री राजे रामदेवरा में आम सभा को भी संबोधित करेंगी। अतिथियों के लिए विशेष मंच यहां बनाया गया है। कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए 4,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। पुलिस ने रामदेवरा के मुख्य स्थानों सहित अन्य स्थानों पर भी पुलिस जवान तैनात कर संदिग्धों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचते ही सीधे बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगी। बाबा रामदेव स्मारक का शिलान्यास करने के बाद विशाल आमसभा को संबोधित भी करेंगी। आपको ये भी बता दें कि आज इस कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री का पोखरण दौरा रहेगा, उस वक्त कई बड़े जनप्रतिनिधि, कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे, जहां राजस्व मंत्री अमरा राम चौधरी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रौनीति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मौजूद रहेंगे। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद रहेंगे। इधर पोखरण विधायक शैतान सिंह राठौर, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी और बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं रामदेवरा के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर जिले के संधरी पंचायत समिति के भालखेड़ी गांव भी पहुंचेंगी, जहां वे ज्वैतेश्वर धाम में रूपा राम जी महाराज के भंडारा कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री राजे का यहां दोपहर 1:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। आपको बता दें कि जहां आज पोखरण और बाड़मेर दोनों के ही जगहों पर दौरा रहेगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जहां भी पहले रामदेवरा में रामदेवरा स्मारक का शिलान्यास करेंगी, जहां एक बड़ा कार्यक्रम होगा और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता उस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद वे बाड़मेर जिले पहुंचेंगी, जहां पर एक भंडारा कार्यक्रम में शामिल होंगी। जेतेश्वर धाम में भंडारा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगी। संधरी पंचायत समिति के भालखेड़ी गांव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां दोपहर 1:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को लेकर जहां तमाम सुरक्षा के इंतजाम पुलिस ने पुख्ता कर लिए हैं, तो बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जैसलमेर और बाड़मेर के दौरे पर हैं, जहां वे सबसे पहले जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा धाम पहुंचेंगी और 3,75,00,000 की लागत से बनने वाले रामदेव स्मारक का शिलान्यास करेंगी। बता दें कि 10 बीघा जमीन पर ये रामदेवरा में जो स्मारक है वो बनने वाला है। इसके अलावा इसके बाद निकलकर वे बाड़मेर पहुंचेंगे। पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसलमेर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री राजे के जैसलमेर दौरा पहले है और उस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता मनीष रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं? जी हाँ, प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जैसलमेर दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन ने बेहद कड़ी तैयारियां की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से रामदेवरा पहुंचेगी और यहाँ पहुंचकर बाबा रामदेव पैनोरमा का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले भर से कार्यकर्ता रामदेवरा पहुंचे हैं और अपनी मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे का जैसलमेर का यह पहला दौरा है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, वही मनीष, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री का पहली बार ही ये जैसलमेर दौरा होगा और इस बीच वे पैनोरमा का शिलान्यास करने जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी हाँ, बाबा रामदेव पैनोरमा जो है वो मुख्यमंत्री के बजट घोषणाओं में से एक घोषणा थी और उसी घोषणा को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री
रामदेवरा पहुंच रही है और करोड़ों की लागत से ये पैनोरमा बनाया जाएगा और इसमें बाबा रामदेव के जीवन से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। एक तरह से ये एक म्यूजियम होगा जो बाबा रामदेव की जीवनी को प्रदर्शित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता है रामदेवरा मेला, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, तो उन श्रद्धालुओं को बाबा रामदेव की जीवनी से, उनके जीवन चरित्र से रूबरू करवाने के लिए इस पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बड़ी संख्या में लोग इस लोक देवता के बारे में जान सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें। जी बिल्कुल मनीष, इसके साथ ही रामदेवरा में जो भी पहुंचेंगे, पैनोरमा का शिलान्यास करेंगे, आम सभा को भी संबोधित करेंगे, इसके अलावा मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्यक्रम वहां रहेंगे? जी हाँ, मुख्यमंत्री 11:30 बजे यहाँ पहुंचकर इसका शिलान्यास करेगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही बाड़मेर रवाना हो जाएगी। बाड़मेर में भी मुख्यमंत्री का एक धार्मिक कार्यक्रम है और इस धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से जैसलमेर से बाड़मेर के लिए रवाना होंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 11:30 बजे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पहुंच जाएंगी, उसके बाद एक आम सभा को भी संबोधित करेंगी, रामदेवरा के जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगी और उसके बाद वे बाड़मेर के लिए रवाना हो जाएंगी। इधर इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिरोही से जहां एक बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई है, ट्रेलर की चपेट में आने से ये भीषण हादसा हुआ। आपको बता दें कि ये शिक्षक पोषाहार लेकर जा रहा था और करेली के पास ये हादसा हुआ जहां उस शिक्षक की मौत हो गई है। ये इसकी बाइक ट्रेलर की चपेट में आ गई थी। मंडार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां ये टीचर बाइक पर सवार होकर पोषाहार लेने जा रहा था, लेकिन इस बीच वो ट्रेलर की चपेट में आ गया और ट्रेलर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर सिरोही से जहां एक बाइक सवार टीचर की मौत हो गई है, ये टीचर पोषाहार लेकर जा रहा था बताया जा रहा है। इधर ट्रेलर की चपेट में आने से भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में उस व्यक्ति की मौत हो गई। करेली के पास ये भीषण हादसा देखने को मिला जहां मंडार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो करेली के पास ये हादसा हुआ है, मंडार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जहां एक टीचर की मौत हुई है, बाइक पर सवार था और इस व्यक्ति की बाइक ट्रेलर में जाकर घुस गई। इस ट्रेलर की चपेट में आने से ये भीषण हादसा हुआ जहां इस हादसे के दौरान इसकी मौत हो गई। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता साकेत गोयल जुड़े हुए हैं। साकेत, फिलहाल क्या अपडेट? यह जो टीचर है जिसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना होने से मौत हुई है, ये पोषाहार लेने के लिए विद्यालय से निकला था, रास्ते में ट्रॉलर ने इसको टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही अध्यापक की मौत हो गई। शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर साधौर शहर से आपको बता दें जहां बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। बुजुर्ग की शहर के बाहर पेड़ से उस बुजुर्ग का शव लटकता हुआ मिला। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, मौत की वजहों की जांच भी की जा रही है। आपको बताएं कि बुजुर्ग की जो शिनाख्त है वो भी हो चुकी है, अमीचंद नाम के बुजुर्ग की मौत हुई है जो कि वार्ड 19 का रहने वाला था। सादुल शहर की ये खबर जहां एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि शहर के बाहर पेड़ से इसका शव लटकता हुआ मिला। पुलिस फिलहाल कारणों की जांच कर रही है कि किन वजहों से इसकी मौत हुई है, क्योंकि मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। संदिग्ध हालत में ये मौत देखी जा रही है। इधर आपको बता दें कि ये बुजुर्ग की शिनाख्त भी पुलिस कर चुकी है शहर के अमीचंद के रूप में जो कि वार्ड 19 का रहने वाला है। ये भी बता दें कि पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और अब मौत के कारणों की जांच की जा रही है। सादुल शहर से ये खबर जहां एक बुजुर्ग की मौत हुई है लेकिन ये मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संदिग्ध हालत में इसकी मौत देखी जा रही है क्योंकि इस बुजुर्ग का शव शहर के बाहर एक पेड़ से लटकता मिला। इस बुजुर्ग की शिनाख्त हो चुकी है और पुलिस ने मोर्चरी में भी शव को रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ बने हुए। कुलदीप, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? जी फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि ये मामला है कि हत्या का भी लग रहा है।
क्योंकि जिस पेड़ से वृद्ध का शव मिला है वो पेड़ जमीन से काफी ऊंचा है और उसके ऊपर चढ़ना किसी आम आदमी के लिए नामुमकिन है। और यह तो 60 वर्ष का बुजुर्ग था। और दूसरा, जहां पर ये शव मिला है वहीं उसके पास में ही शराब के कुछ पौवे मिले हैं, 3 या 4 पौवे मिले हैं। तो ये मामला जो है, और एक एक खास बात और ये भी है कि इस वृद्ध के शरीर के ऊपर जो सर्दी से बचने के लिए जो चादर ओढ़ी जाती है वो पूरी तरह सेट की हुई है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जब ये मामला हत्या का हो सकता है, और पुलिस जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है तब तक पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। जी माधुरी, बिल्कुल कुलदीप, और क्या कार्रवाई चल रही है, क्या शिनाख्त होने के बाद क्या परिवार वालों की कोई जानकारी मिल पाई है? जी, परिवार वालों का यही कहना है कि उनके जो पिता हैं, उनके बेटे का यही कहना है कि उनके जो पिता हैं उनका किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी, वो अपने बेटों के पास ही रहते थे। और कल शाम को भी उनसे उनकी बात हुई थी, लेकिन कल शाम के बाद से वो घर पे नहीं आए थे, और आज सुबह उनको उनके पेड़ पर लटके होने की खबर मिली। और पुलिस ने फिलहाल जो शव है उसको वहां से उतार कर और सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रिया कुलदीप जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये शहर के बाहर एक पेड़ पर लटकते हुए शव की है। तस्वीरों को हम आपको ब्लर करके दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने शिनाख्त तो कर ली है, और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पूरे मामले में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। बयानों को लेकर चर्चित आईपीएस पंकज चौधरी को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने जवाब दिया है। अपने जवाब में कटारिया ने उन्हें बड़ा अधिकारी बताया। पंकज ने यह मुद्दा हरियाणा के मंत्री अनिल विज और पुलिस अधिकारी के बीच हुए विवाद के बाद ट्रांसफर को लेकर उठाया था। बड़े आदमी कुछ भी बोले उनको कुछ कहना उत्तर देना अच्छा नहीं लगता। गृहमंत्री के ये तंज के बोल उस रंज पर निकले हैं जो आईपीएस पंकज चौधरी के बयानों से साख पर उठे सवालों से हैं। सिस्टम की खामोशियों के हवाले से तकदीर में तबादला झेलने वाले पुलिस वालों के हक में आवाज पंकज चौधरी ने उठाई, पूरे सिस्टम पर ही हमला बोल दिया, ये भूल कर कि पुलिस भी सिस्टम का हिस्सा है। हालांकि अपने बचाव में उस ब्रिटिश काल के बने पुलिस एक्ट की बदलाव की मांग की। पंकज चौधरी लगातार सिस्टम में सवाल उठा रहे हैं, अभी भी कहते हैं अंग्रेज चले गए लेकिन सिस्टम वही है। बड़े आदमी कुछ भी बोले उनको कुछ कहना उत्तर देना अच्छा नहीं लगता। पंकज चौधरी का तर्क कितना लचर है इस बात को कटारिया बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि बिना मुरव्वत उन्होंने समझाने में देर नहीं की। खुद को सिस्टम का शिकार बताने वाले पंकज ट्रांसफर और पोस्टिंग को रोड़ा मानते हैं। सेक्रेटरीट को, मुख्य सचिव को, कार्मिक सचिव को, महानिदेशक पुलिस को, सभी को हमने लेटर लिखे हैं, और तमाम जगह से हमने कोशिश भी की है कि हमारे साथ जो भी घटना हुई है वो गलती हो और मुझे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब हम 2-3 महीने 4 महीने के बाद जब हम देखते हैं कि नहीं, उस चीज़ों पे कोई रिप्लाई नहीं है, किसी भी तरह का कोई जो है उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है गलत रूप से सामने रखी जा रही हैं। और हम प्रयास करते हैं कि ठीक है, हम एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते जब हम खुद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो हम आम आदमी के साथ और अपने जवानों के हम न्याय की उम्मीद करना बहुत मुश्किल काम है। जो जैसलमेर में पंकज ने पत्रकारों से बात करते हुए सब कबूला है, वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पंकज चर्चा में हूँ। अपनी पोस्टिंग के दौरान एक्शन और व्हाट्सएप पर रिएक्शन को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुके हैं, और अब तो रहना लाजमी भी है, क्योंकि सवाल उठाए हैं तो जवाब मिलेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकिए एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए कोहरे का कहर।